फारूक सलीम साहब, जिस तरीके से हुकूमत को इस वक्त मशवरे मिल रहे हैं, आपके इस पर क्या टेक है? डेट सर्विसिंग जो है उसको मौकर कर दिया जाए, डिस्काउंट रेट बिल्कुल नीचे ले जाया जाए, सिर्फ फैसिलिटेट किया जाए कारोबार को, मईशत तभी चलेगी। मईशत नहीं चलेगी तो आप 4,900 अरब का जो आपका जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का एक टारगेट है वो भी आप कैसे अचीव करेंगे? आप एग्री करते हैं ये सब इतना प्रैक्टिकल है? भूल जाए IMF को ये भी कहा जा रहा है। देखिए, डेट सर्विसिंग की बात हो रही है, मैं पिछले साल के बजट के हवाले से आपके सामने फिगर रख दूं, जो 2,900 अरब की अमाउंट मुख्तस की गई थी कर्जा जात की वापसी के हवाले से, वो 88% अंदरूनी कर्जा जात थे और 12% बैरूनी कर्जा जात हैं। तो बैरूनी कर्जा जात का बोझ पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 12% आता है, 88% कर्जा जात जो है वो हमारे मुल्क के अंदर है। ये ऐसे कहीं नहीं दुनिया में होता, दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता कि हमने जो सूद देना है, जो हुकूमत ने कर्जा जात लिए हैं हम वो नहीं देंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत ओपनली एक बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दे, ऐसा नहीं किया जा सकता। यहाँ पे देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होने चली, अगले एक साल नहीं होने चली, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई बाहर से आके इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में नहीं करने लगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। इसमें इस वक्त जो हमारे पास एक ही एक रास्ता बचा है और वो हुकूमती खसारे कम करने हैं। हमें हुकूमती अखराजात से कोई हमें इख्तलाफ नहीं, वजीर आजम साहब के प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरियट का खर्चा है जरूर होना चाहिए, सदर साहब के घर का खर्चा हो रहा है वो खर्चा होना चाहिए, वो 3 मिलियन हमारे पास जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें देनी है वो जरूर दें। मैं अखराजात और खसारों में तफरीक कर ले, अखराजात तो होने हैं लेकिन जो खसारे कर रही है, खसारों से मेरी मुराद ये है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज 197 रियासती इदारे हैं, उसमें PIA, उसमें पाकिस्तान रेलवे, उसमें पाकिस्तान स्टील, इनको हम 1,000 अरब रुपया सालाना दे देते हैं। अब इस बजट में दोबारा यही देखेंगे, हमने 2,000 अरब का नुकसान कर दिया है बिजली के सेक्टर में। देखिए, पाकिस्तान कतई तौर पर गरीब मुल्क नहीं है, ये आप तय कर लें, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान को गुरबत में धकेल दिया गया है हमारी नाकाम माशी पॉलिसीज की बुनियाद पे। अब खुद सोचिए, जो मुल्क 1,000 अरब रुपया अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में बांट देता है, डबो देता है, क्या वो गरीब मुल्क है? जो मुल्क 2,000 अरब रुपया अपने और इदारों पर जो रेवेन्यू कमा के भी नहीं देते, जो ऑलरेडी खसारे में चल रहे हैं, तो गरीब मुल्क पाकिस्तान नहीं है, ये कहना हम बंद कर दें। इसको गरीब कर दिया गया है हमारी माशी पॉलिसीज के नतीजे में। मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।